दोस्तों आपका स्वागत है। एक बार फिर सीएए का हंगामा शुरू हो गया है पूरे देश में। क्या इस बार सीएए मुसलमानों की नागरिकता छीन लेगा? क्या सीएए मुसलमानों के खिलाफ है? क्या सीएए मुसलमानों को शरणार्थी बना देगा? आइए इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। सीएए ने एक बार फिर पूरे देश के अंदर हलचल मचा दी है। केंद्रीय मंत्री शांतनी ठाकुर, जो कि परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, उनका दावा है कि केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून जल्द ही देश भर में लागू कर देगी। हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि वे जल्द ही पूरे देश के अंदर सीएए कानून को लागू कर देंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो आपसे हम गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। नागरिकता संशोधन कानून सीएए का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। ये संसद में पास होने से पहले सीएबी यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद नागरिकता संशोधन कानून अमेंडमेंट बिल एक्ट बन गया। भारत में नागरिकता के लिए पहले से ही कानून है जिसका नाम है नागरिकता अधिनियम 1955, जिसे इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 भी कहते हैं। इंडियन सिटीजनशिप 1955 के सेक्शन 3 के अनुसार 26 जनवरी 1950 से जुलाई 1987 के बीच में पैदा होने वाला हर व्यक्ति भारत का नागरिक है। जुलाई 1987 से दिसंबर 2003 के बीच में जो भी व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा हुआ हो और उसके माँ बाप में से कोई भी हिंदुस्तानी हो, वे हिंदुस्तानी माना जाएगा। 2004 से आज तक जो भी व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो जिसमें माँ और बाप दोनों भी हिंदुस्तानी हो या दोनों में से कोई भी इलीगल इमिग्रेंट यानी गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तानी सीमा में दाखिल नहीं हुआ हो, वे भी हिंदुस्तानी माना जाएगा। सन 2019 में मोदी सरकार द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन के लिए एक विधेयक लाया गया जिसको नागरिकता संशोधन कानून 2019 कहा गया। इस विधेयक में कहा गया कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने के बावजूद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अवैध नहीं माना जाएगा, इन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। इन अल्पसंख्यक समुदायों में 6 गैर मुस्लिम धर्म अर्थात हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई धर्म के अनुयायियों को शामिल किया गया है। विधेयक में इन 6 पंथों के लिए एक नया प्रावधान लाया गया है जिसमें 11 वर्ष की नागरिकता की शर्त को घटाकर 6 वर्ष का प्रावधान कर दिया गया है। अब बात यह आती है, जब सीएए के अंदर किसी की भी नागरिकता लेने की बात नहीं हो रही है तो फिर देश में इसका विरोध क्यों हो रहा है? ऐसा माना जाता है सरकार सीएए के बाद एनआरसी को पूरे देश में लेकर आएगी। एनआरसी के अंदर 6 धर्म के लोग, जैन, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, जो अपनी नागरिकता खो देंगे, उनको सीएए के द्वारा दोबारा नागरिकता दे दी जाएगी। जबकि अगर मुस्लिम समुदाय एनआरसी में अपनी नागरिकता खो देता है तो उसको सीएए के तहत नागरिकता नहीं मिलेगी। जबकि भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसी तरह अनुच्छेद 15 कहता है,
राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यही प्रमुख वजह है, भारत में कई संगठन इसके खिलाफ हैं। उनका यही कहना है CAA भारत के संविधान की धारा 14 और 15 का उल्लंघन करता है जब तक इसके अंदर मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया जाता है। कुछ कानून के जानकारों का यह भी कहना है कि ये कानून हिंदुओं के हित का भी कानून नहीं है, क्योंकि जो शरणार्थी श्रीलंका से भागकर भारत आए थे और जो शरणार्थी बर्मा से भागकर हिंदुस्तान आए थे, उन हिंदुओं को भी इस CAA के द्वारा कोई फायदा नहीं होगा, उनको भी नागरिकता नहीं मिलेगी। साल 2019 और 20 में जब केंद्र शासन ने CAA का कानून पारित किया था, तब पूरे देश में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इन्हीं धरना प्रदर्शन में एक प्रदर्शन शाहीन बाग के नाम से भी शुरू हुआ था, जिसकी चर्चा पूरे देश ही में नहीं विदेश में भी हुई थी। शाहीन बाग तर्ज पर पूरे देश में धरना प्रदर्शन जगह जगह शाहीन बाग के नाम से शुरू हो गए थे। इन धरना प्रदर्शन में मुस्लिम, दलित, हरिजन, आदिवासी सभी धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसी शाहीन बाग के नाम से भोपाल में भी एक शाहीन बाग बनाया गया था। इसमें काफी दिनों तक CAA के खिलाफ धरना प्रदर्शन चलता गया था। बहरहाल आगे हमें ये देखना है कि केंद्र सरकार इस कानून को किस तरह लेकर आती है और इसका असर देश में किस तरह पड़ेगा। क्या देश एक बार फिर से इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतर पड़ेगा? हमारा यही कहना है, सभी भारत के नागरिकों को अपने दस्तावेजों को सही रखना चाहिए। कई जगह इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर हमारे दस्तावेजों में नाम में कहीं गड़बड़ी होती है और हम पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो हमारा पासपोर्ट भी नहीं बनता। इसलिए हमारी ड्यूटी है कि हम सबसे पहले अपने दस्तावेजों को सही रखें। इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है।